सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरी पैरों की मेहंदी लग चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी शर्मा ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे डुकू को अब उठाना है। ये देखिए डुकू, उठो उठो। अब इसको उठाना है। इसका दूध भी मैंने रेडी कर लिया है और मिस्टर शर्मा के लिए कॉफ़ी भी बन चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी है। तो कॉफ़ी रेडी है, ये देखिए कॉफ़ी मग। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। तो चलते हैं देने। आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश, झिमर झिमर है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उठते ही मशीन लगा ली और जब आधे कपड़े धुल चुके थे उसके बाद शुरू हो गई बारिश। तो आप सबको तो पता ही है मॉइस्चर का सीज़न हो जाता है तो फिर कपड़े वैसे ही नहीं सूखते। तो मैंने थोड़े कपड़े यहाँ रूम में भी डाल रखे हैं, पता नहीं अब कब तक सूखेंगे। तो चलिए देखते हैं कब तक सूखते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ डोगू को फाइनली उठाने। तो जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं शॉपिंग अपनी नहीं शेयर कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। तो मैं लाई थी राखियाँ, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। कुछ क्लचर्स, ब्लू हेवन के काजल और ये दो राखी और बैगी। बिंदी स्टोन वाली मुझे यही पसंद है, थोड़ा स्मॉल साइज। वैसे भी आपने नेचुरली भी देखा होगा कि मैं स्मॉल बिंदी ही पसंद करती हूँ लगाना। मस्कारा, लिपस्टिक, लाइनर, ये मेरी हबी की कुछ बनियान, इनकी बार में सब उठाना है। तो शॉप पे मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लेनी थी नेल पेंट। अब हुआ ये, इतने सारे शेड्स देख के आप लोगों को पता ही है कुछ समझ में नहीं आता, इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। एक प्रॉपर कलर लेना हो, शेड लेना हो तो फिर भी मिल जाता है। उसके लिए सोच सकते हैं कि मुझे यही शेड चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे बस ये लेती तो नेक्स्ट दिखता, एक पसंद करती तो दूसरा भी पसंद आ रहा था। तो कंफ्यूजन थी कि मुझे कौन सा लेना है। तो मिस्टर शर्मा ने बोला कि आप पूरी की पूरी किट ले लो। तो उन्होंने मुझे ये पूरी की पूरी नेल पेंट की किट परचेज करवा दी। तो इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, बोले जो भी लगाना हो लगा लेना, सब ले लो। ऐसा ऐसा मूड भी कभी कभी होता है। ये देखिए मैं जो भी शेड लगाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। कितने पीस हैं इसमें मुझे भी नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 24 शेड्स हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट में फर्स्ट टाइम शूट कर रही थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ओड सा लगा, सब लोग भी देख रहे थे इधर उधर से, शॉप में भी देख रहे थे, इवन बोल रहे थे ये देखो क्या कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो मैंने अपना इंट्रो दिया हुआ है। तो उसमें मैं जैसे हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो आप सबको पता ही है हरियाणा का कैसा एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। तो मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ, हरियाणा की किसी सिटी से। तो ऐसे स्मॉल टाउन में ऐसे शूट करना पब्लिक के बीच में मेरे लिए बहुत ओड सा था,
क्योंकि अजीब ही माना जाता है कि कोई भी कुछ करे ऐसे मार्केट प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे, तो बहुत अजीब सा लग रहा था. थोड़ी सी हेजिटेशन हुई थी मुझे, मैं नहीं करना चाह रही थी, बट मिस्टर शर्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया. इसका फुल जो भी मैं मार्केट में शूट करके आई हूँ, तो आपको मेरे अभी जो ब्लॉग आएगा मेरा मॉर्निंग में, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मार्केट के कुछ शूट्स. और जो भी मैं शूट कर पाई हूँ वो उसका मैं सारा क्रेडिट मिस्टर शर्मा को देती हूँ. अगर वो मुझे नहीं इंसिस्ट करते कि नहीं करो, कुछ नहीं होता, तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती. तो सारा मोटिवेशन मैं उन्हीं देती हूँ, उन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है. तो कल का जो एक्सपीरियंस था वो यही था मेरे लिए, और साथ में डुगू था तो बस और कुछ नहीं, बस उसकी थोड़ी सी शैतानियाँ, उसका खाना पीना. और मुझे लगता था कि जैसे हम दोनों, मैं और मिस्टर शर्मा, हम दोनों गोलगप्पा लवर बहुत ज़्यादा हैं. जहाँ भी हम जाते हैं तो हम सबसे पहले मार्केट जब भी निकलते हैं या बाहर जब भी जाते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है जो भी काम करने निकले वो काम, बाद में सबसे पहले गोलगप्पे खाने होते हैं हमें. हमें गोलगप्पे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी गोलगप्पा चैलेंज वीडियो, तो बनी रहिए. अगर आप ऐसे ही बनी रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको आगे चल के गोलगप्पा चैलेंज वीडियो भी देखने को मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी वो भी. तो जैसे कि कल हुआ तो हमें भी गोलगप्पे खाने थे, तो उससे पहले डुगू ही पहले स्टार्ट हो गया कि मुझे गोलगप्पे चाहिए. तो उसने, मैं, हम खुद बहुत ज़्यादा शौक थे, उसने 2 प्लेट्स गोलगप्पे की खाई. तो हमें फाइनली पता चल गया कि ये हम पे ही गया है, ये भी गोलगप्पा लवर ही है. तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, कल का इन द सेंस जो कल मार्केट वाला जो ब्लॉग है वो ब्लॉग नंबर 8, वो ज़रूर देखिएगा. उसमें आपको डुगू की मस्ती दिखेगी. दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और डुगू सो चुका है. तो डुगू सो चुका है इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अपना मेहंदी लगा लूं, क्योंकि कल राखी है और बस मेरे पास यही थोड़ा सा टाइम है. तो अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ. तो थोड़ी बहुत जैसी भी आती है आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो मिलते हैं. गाइज, आप लोग देख सकते हैं मेरी पैरों की मेहंदी लग चुकी है. तो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा.
जैसे कि मेरे पैरों की तो मेहंदी लग चुकी है, तो अब मैं लगाऊंगी अपने हैंड पे। तो पैरों की लग रही थी उस टाइम पे, डुगु सो रहा था तो मैंने लगा ली जल्दी जल्दी। आप लोग बताइएगा कैसी लगी है। तो अब वो गया है बाहर, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से एक हैंड और कंप्लीट कर लेती हूँ, जितना भी हो सकता है उतना। फाइनली मेरे हाथों भी बैक हैंड की मेहंदी लगी है बस अभी तक। ये देखिए कैसी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। अभी फ्रंट पेन बाकी है, अब देखते हैं कब टाइम मिलेगा और फिर कब लगेगी। अगर अभी लगा लूँगी तो फिर मेरे शाम का काम रह जाएगा, इसीलिए अब इसे सुखाते हैं और फिर इसकी टर्न। और राइट हैंड तो मे भी खाली ही रह जाएगा मेरा। लास्ट टाइम तो मैंने लगा ली थी, मैंने 4 डेज़ पहले मेहंदी लगानी स्टार्ट की थी, एक दिन पैरों की, एक दिन लेफ्ट हैंड की फ्रंट की, एक दिन लेफ्ट हैंड के बैक की। तो ऐसे करते करते मेरे 4 डेज़ में दोनों हैंड पे और पैरों पे मेहंदी लगाई थी मैंने। और हाँ, मेहंदी मैं खुद ही लगाती हूँ, तो लेफ्ट हैंड से भी लगा लेती हूँ, तो आप लोग बताइएगा लेकिन कैसी लगी है। लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, कल ही राखी है, तो मैं या तो इसी हैंड पे लगा पाऊँगी या अपने राइट हैंड पे लगा पाऊँगी। तो या तो मेरा राइट हैंड खाली रहेगा या मेरा लेफ्ट हैंड खाली रहेगा। अगर मैं इस पे लगा लूँगी फ्रंट पे तो फिर मैं इससे मेहंदी कैसे लगाऊँगी उस पे, फिर इसको सूखने में टाइम चाहिए, तो फिर मेरी फुल नाइट ऐसे ही चली जाएगी। तो और कल का डे जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी वाला है। और आप लोग अगर कहेंगे कि मैं बाहर से मार्केट से मेहंदी नहीं लगवाती या लगवा सकती हूँ, क्यों नहीं लगाती मैं, तो मुझे मार्केट की मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो बहुत बड़ा बड़ा डिज़ाइन बना देते हैं, बस ऐसे ही हाथ को भर देते हैं बहुत ज़्यादा मोटी कीप से कौन से। और मुझे जो है, मुझे बारीक मेहंदी पसंद है। मुझे कौन बनाना नहीं आता, अगर कौन बनाना है तो मैं भी बारीक कौन बनाऊँ। अब रेडीमेड कौन तो कुछ इस टाइप की होती है, कभी चांस मिले तो बारीक कौन मिल जाती है, नहीं तो यही मोटी कौन ही मिलती है। बट मुझे पर्सनली बारीक मेहंदी ही पसंद है। अब तो ये खैर डिज़ाइनर मेहंदी चल गई है कुछ इस टाइप की, तो इसमें बारीक कौन का काम नहीं रहता है। तो और इस बार मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मुझे बस यही था कि बस मेहंदी लग जाए किसी तरह। और हाँ, सबसे पहले मैं पैरों पे मेहंदी लगाती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि सबसे पहले पैरों पे लगा ली तो हाथों पे ही लगा लेती। लेकिन रीज़न ये रहता है कि पैरों पे मैं इसीलिए लगाती हूँ फर्स्ट कि अगर एक दिन, अब मेरे पास जैसे एक ही दिन बचा था तो या तो मैं हाथ पे लगाती या पैरों पे। अब अगर हाथ पे लगा लेती तो काम नहीं हो पाता मुझसे, तो जल्दी जल्दी वॉश करना, उतारना, ये सब रहता। हाँ, अगर अब मैंने जो थोड़ा बहुत टाइम था उसमें पैरों की लगा ली, पैरों की मेहंदी मेरी 1 आवर में कंप्लीट हो गई थी, और अब ये हाथ की मेरी 45 मिनट्स लगे हैं। मैंने आज क्लॉक में टाइम देखा था, 45 मिनट्स में मेरे ये लगी है। और हाँ, मैं देख के लगाती हूँ तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, देख के मैं लगा लेती हूँ, बिना देखे तो नहीं पॉसिबल है। और कल है रक्षाबंधन, तो कल का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।